एवरी टाइम आई हैव एंटर्ड लाइफ योगा तो मन करता है वापस चले जाओ और मन करता है वहां से निकलो नहीं. फॉर द इंडिया इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट. क्या एक्सपीरियंस था आपका हांगकांग में सिखाने में और अब इंडिया में सिखाने में? वी बोथ वर द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड इंडियन क्लासिकल योगा. व्हाट इज द पावर ऑफ फास्टिंग? इतना ही योगा कर लीजिए, अगर आप डाइट का डिसिप्लिन नहीं करते तो समहाउ वो बैलेंस नहीं माना जाता. आई थिंक वेस्ट में योगा को काफी इट्स बिकम अ ट्रेंड. आपने देखा आजकल एक सिपर्स आए हैं जिसमें इतना ही पानी निकलता है, एक घूंट पानी निकलता है. ये तो हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि पानी गट गट में पीना, घूट घूट पानी पीना. Are we losing this essence of yoga and yoga? लोग वर्कआउट के समय प्रोटीन शेक लेने लग गए तो आपकी बॉडी समझ नहीं पा रही मैं अब डाइजेस्ट पे जाऊँ या मतलब रिकवरी पे जाऊँ. Is meditation also a practice जो आप करते हैं? अगर आपको पहले मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप लेना है तो पहले अपनी मेडिटेशन और प्राणायाम. प्राणायाम बेस्ट आसना इफ आई वांट एब्स. नौका आसना इज अमेजिंग. आयुर्वेद का एक छोटा सा प्रिंसिपल है जो हम सबको फॉलो करना चाहिए. वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एंड वी आर थ्रिल्ड टू हैव डॉक्टर तनु सिंह विद अस. शी इज द को-फाउंडर ऑफ लाइफ योगा, अ योगी, अ राइटर, अ वुमेन्स हेल्थ कोच. Starting her yoga journey at 12 years, Tanu has become a leading voice in yoga and Ayurvedic nutrition. Her classes are known for her energy and joy, and she's dedicated to promoting well-being through her extensive experience and her calming presence. Tanu, सबसे पहले तो thank you कि आपने life yoga लाए हैं दिल्ली में. It's literally one of my favorite places to go to. Thank you so much. Yeah, it's we much needed. I think हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि कोई ऐसा सेंटर हो दिल्ली में जहाँ पर लोग एक साथ प्रैक्टिस कर सकें. और वैसे तो हमारे माइंड में ये बहुत लंबे समय से चल रहा था, बट जब डेस्टिनी को मंजूर हुआ तब वो आया और बाय गॉड ग्रेस वो बहुत अच्छे से चल रहा है. सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं. And that is what we needed. We get it, I would say. We get it. No, such yes. You. Like every time I've entered life yoga, there's this sense of calm and this sense of happiness. So, man karta hai wapis chale jao aur man karta hai wahan se niklo nahi. Bilkul. Actually, jab hum life yoga banane ke liye hum us pe kaam kar rahe the, to jo unhone design kiya hai, Amrish ji ne design kiya hai usse. तो जब हम उनके पास जाते थे हम उनसे बात करते थे कि और वो हमसे पूछते थे कि आपको लाइफ योगा में क्या चाहिए. तो हमारा आंसर यही होता था कि हमें लाइफ योगा में सबसे पहले चाहिए शांति. शांति के साथ सुख भी चाहिए. देखिए शांति तो मिल जाती है कई बारी जीवन में, लेकिन आजकल जो जॉय जॉय मिसिंग है कहीं ना कहीं. तो हमारा पूरा पर्पस यही था कि जहाँ पर जॉय हो, शांति सुख हो, ऐसा अंदर आके हर किसी को महसूस हो, कोई ऐसा जगह बनाना है कि सबके लाइफ में टू मच बहुत कुछ चल रहा है कि एक जगह ऐसी हो जहाँ आके आप ऑफ कोर्स योगा करें, प्रैक्टिस करें, हेल्दी खाना खाएं और एक एम्बियंस को एंजॉय करें. तो इट्स लाइक माइंडफुलनेस, लाइक माइंड सभी लोग ऐसे आकर अपना प्रैक्टिस करें. तो दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड लाइफ योगा. आई लव दैट. एंड सो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट? यू नो जैसे इंडिया में वी यू नो योगा इज लिटरली अ पास्ट, अ प्रेजेंट, अ फ्यूचर. लेकिन पहली बार शायद इट्स बीन प्रेजेंटेड इन दिस मॉडर्न फॉर्मैट, राइट? लाइक आई काइंड ऑफ फील कि एक नीड थी जो मिसिंग थी. But you know, what was your vision in this? Delhi से पहले मैं Hong Kong में रही हूँ काफ़ी साल और across the world काफ़ी workshops yoga से related लिया है. लेकिन जब भी हम India आते थे, especially Delhi and Bombay में भी जाते थे, तो देखिए इतनी बड़ी population है लेकिन एक भी single ऐसा yoga center नहीं मिलता था जहाँ पर हम किसी भी समय अपनी इच्छा के अनुसार जा सके. और मेरा एक अपना छोटा बुटीक योगा स्टूडियो भी था, बिकॉज यू विल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. तो एक छोटा सा बुटीक स्टूडियो था जहाँ पर मेरा टाइम स्लॉट्स थे कि मैं सुबह 2 घंटा योगा करवा सकती हूँ, शाम को 2 घंटा करवा सकती हूँ, प्लस मुझे ट्रैवल भी करना है,
प्लस मुझे बाहर भी जाना है और योगा की वर्कशॉप्स भी लेनी है, तो उसमें जो लोग आते थे उनका स्केड्यूल बहुत हिल जाता था। यू राइट नो, हर कोई मेरे अकॉर्डिंगली अपना स्केड्यूल नहीं 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 बना यह सकता, और यही पर्पस था। तो लोगों को वो छोटा सा स्टूडियो, इट्स लाइक आई ऑलवेज से माय बेबी स्टूडियो, बहुत पसंद आता था। तो मेरे मन में कहीं डीप इनसाइड आई से, जब ये पसंद आ रहा है तो जो मेरे माइंड में है, जो मेरे माइंड में मे बी 15-20 साल पहले से है, अगर वो लाना चाहती हूँ, तो उसमें डॉक्टर वरुण वीक के साथ हमने मतलब ये किया, और वो हम पूरा सेंटर जो हमने सोचा था वो सेंटर हम लाए, और बहुत अच्छे से उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। इसमें देखिए ऐसा होता है कि अभी तक ऐसा है दिल्ली में और इंडिया में, बेसिकली योगा या तो आश्रम बेस है राइट कि आपको कोई एक प्रैक्टिस करनी है, जी, कि आपको आप जाना है, आप किसी आश्रम में एग्जैक्टली exactly, जाएंगे आप। और उनके अकॉर्डिंगली मतलब मान लीजिए मैं किसी एक आश्रम में जाती हूँ, तो वो जो बिलीफ सिस्टम है, अगर एक टाइप के योगा में विश्वास रखते हैं तो हमें पूरा समय उसी को फॉलो करना पड़ेगा। राइट थोड़ा सा आई बिलीव एवरी डे वी आर डिफरेंट पर्सन एंड ओके एवरी इंडिविजुअल नीड्स अ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ योगा। ओके okay. आई हार्डली बिलीव इन दिस कि मान लीजिए कि योगा किसी के लिए एक किसी को फास्ट तरीके से राइट पसंद आता है और किसी को बहुत स्लो, और मे बी उनकी नीड भी ऐसी है। तो जिसकी जो नीड है अगर उसको पहले वो दे दिया जाए तो उसका बिलीफ सिस्टम और अच्छे से बढ़ जाता है। तो यही पर्पस था कि किसी को भी, और हम बिलीव करते हैं कि योग वननेस, वननेस मीन्स योगा सभी के लिए है। आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, किसी भी एज में हैं, या आपके बॉडी में कोई ऐसा आप इशू आ गया है, राइट तो आप योगा को किसी भी वे से अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हील करने के लिए एज अ टूल आप ले सकते हैं। देर इज नो हार्म। सो डॉक्टर तनु, यू सेड कि यू नो योगा अलग अलग टाइप के होते हैं। बिल्कुल यू नो आई थिंक विद इन लाइफ योगा यू हैव यू नो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ योगा। बिल्कुल सो आई मीन आई लव टू नो कि एक्चुअली कितने स्टाइल्स के होते हैं और व्हाट आर योर फेवरेट टाइप्स, या कैसे हम योगा को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वी स्ट्रांगली बिलीव इन द रूट, लाइक अपने रूट पे बहुत अच्छे से हम विश्वास रखते हैं कि हमें अपनी रूट्स कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जो जी हमारा रूट है वो हठ योग ही है। एंड देखते दैट्स हुए द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ योगा इन इंडिया। ओके हठ योगा इज द ओल्डेस्ट योगा फॉर्म, एंड हम बहुत अच्छे से उसमें विश्वास रखते हैं और वो अच्छे से ऑथेंटिक है। लेकिन हर किसी की नीड अलग होती है, रिक्वायरमेंट अलग होती है, एज ग्रुप डिफरेंट है। किसी को योगा एज, कोई योगा को थेरेपी के वे से लेता है, कोई योगा को मसल बिल्डिंग के लिए लेता है। तो हमारा यही पर्पस था कि आप योगा कीजिए, और हमने रूट को ध्यान में रखा और उसके अकॉर्डिंगली हमने जैसे हॉट योगा है हमारे सेंटर में, एंड अष्टांगा है, विन्यासा है, यिन पावर, एंड वी हैव यिन योगा, ब्यूटीफुल प्रैक्टिस, वी हैव यिन यांग, एंड वी हैव किड्स योगा। अब देखिए बच्चों को हम बिल्कुल, हमको थोड़ा उनको अच्छी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से राइट करवाना पड़ेगा। वी हैव प्रीनेटल योगा इन प्रेगनेंसी, ऑफ कोर्स वी हैव टू डिज़ाइन लिटिल बिट डिफरेंटली, एंड वी हैव पोस्टनेटल योगा। एंड जैसे मेरे टीनेजर्स बच्चे हैं, थोड़े बड़े हो गए वैसे तो अब, तो उसके साथ मुझे ऐसे लगता है कि टीनेजर्स को भी योगा चाहिए। जी लेकिन अगर हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली हम उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, और मान लीजिए जैसे वॉल रोप योगा है, कई लोग शीर्षासना में या अपसाइड डाउन में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, सो दे नीड सम प्रॉप्स, काइंड राइट ऑफ दिस इज लाइक अ वॉल रोप और एरियल, दिस इज लाइक अ प्रॉप टू इन्हेंस योर प्रैक्टिस। सो उसके लिए भी हमने किया है। अब जैसे हॉट योगा है, हॉट योगा में अब लोग कहेंगे कि दिल्ली में इतना टेम्परेचर है बट स्टिल आपके पास हॉट योगा है, कौन करेगा? ऐसा नहीं होता। हॉट हम एक तो पहले इतनी गर्मी में बाहर ज़्यादा निकलते नहीं, और हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम पूरा दिन एसी एयर कंडीशन में रहते हैं,
और बाहर चलना तो क्या, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो भूल ही नहीं जाइए, कर चलना भी पाते हैं, मुश्किल हो नहीं जाता कर है, पाते ब्रीदिंग हैं। भूल जाइए, और उसके बीच में आसनास प्रैक्टिस करना तो नॉट ये पॉसिबल। दिस हॉट योगा फॉर एग्जांपल, लाइक नो बिक्रम हॉट योगा थी एंड ही मेड इट रियली रियली फेमस, बट यस ये एक्चुअली हॉट योगा विच आई मीन इट हैज कम फ्रॉम हठा योगा, और व्हाट फॉर्म ऑफ योगा हैज इट कम जी फ्रॉम? बिल्कुल, इसमें जो आसनास प्रैक्टिस है, जो सीरीज है, वो बिल्कुल ट्रेडिशनल हठा क्लासेस की तरह ही डिज़ाइन किया गया है। मान लीजिए कोई योगा स्टाइल है, कोई भी योगा स्टाइल ले लीजिए, उसमें एक सीरीज ऐसे फिक्स नहीं होनी चाहिए। वी हार्डली बिलीव कैसे कि एक सीरीज ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आप वही कर रहे हैं तो एवरी डे यू आर डूइंग द सेम थिंग। हर दिन की, सुबह की, रात की एनर्जीज अलग होती हैं, हर इंडिविजुअल थोड़ा अलग होता है, और टीचर की भी पर्सनालिटी होती है। ऑफ कोर्स हमें वो कुछ परसेंटेज वही करवाना है, लेकिन आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस के साथ करेंगे तो हर दिन आपके लाइफ में, जब आप लाइफ योगा में आएंगे, एक न्यूनेस की तरह, एक आप कहेंगे वाओ दिस इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस, ये अलग था, ये और अच्छा था, आई थिंक आई नीडेड दैट। जैसे मैं किसी को वॉर्म स्ट्रेच या किसी क्लास में भेजती हूँ, आई सेड आप ये कीजिए, एंड देन दे सेड मुझे लगता नहीं था बट आई आई नो कि अब मुझे ये चाहिए, मेरी बॉडी को ये नीड है। इसी के साथ देखिए, अभी तक स्कल्प्ट योगा के बारे में हम, मतलब कहीं पर भी नहीं है, आई वुड से कि यूएस में भी नहीं, कहीं पर भी ऐसा नहीं है इस स्टाइल का योगा। स्कल्प्ट योगा में हम क्या करते हैं कि थोड़े से वेट्स यूज करते हैं अपनी बॉडी पर, बिकॉज सब लोग मसल्स के बारे में आजकल ज़्यादा बात कर रहे हैं, और होना भी चाहिए, और हमें सिर्फ मसल, स्केलेटन मसल्स बिल्ड नहीं करना है, हमें एक एक टिश्यू को भी बिल्ड करना है बॉडी में। तो उसके लिए अगर सेम प्रैक्टिस, थोड़ा इन अ डिफरेंट वे विद अ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग 45 मिनट्स, देखिए कई लोगों के लिए इजी नहीं होता कि 45 मिनट्स बैठो और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, तो इसमें ब्यूटीफुली वी डिज़ाइन, लाइक वी हैव वेट्स फर्स्ट, जो एक रहता है कि मुझे मसल बिल्ड करना है, तो वो एक कवर अप हो गया। दूसरा फिर लोग बोलते हैं कि हमको बहुत अच्छे आसनास प्रैक्टिस करनी है इन अ रिदमिक वे, काइंड ऑफ विद द फ्लोई वन पोज टू अनदर, एंड द थर्ड इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग प्रैक्टिस टू रिलीज, लाइक टू वर्क विद योर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर फिजिकल प्रैक्टिस, वहाँ आप रिलैक्सेशन भी कर रहे हो, ब्रीदिंग भी कर रहे हो, अपने मसल को भी बिल्ड कर रहे हो, और दूसरा देखिए मसल में मेमोरी होती है, अगर मसल की मेमोरी बिल्ड नहीं किया तो आप रोज वही चीज़ करते रहिए, अगर उसमें थोड़ा सा शांति से आप करते हो, लाइक आई कैन जंप फॉरवर्ड एंड बैक मे बी 100 टाइम्स, इफ आई सेड माइंडफुली विद द ब्रेथ, विद द होल्डिंग ब्रेथ जंप फॉरवर्ड एंड विद द बैलेंस कम बैक, कम फॉरवर्ड एंड देन 10 से 15 करने में ही बहुत मुश्किल हो जाता है, वही तो बिकॉज आई मैंने एम ब्रिंगिंग एवरीथिंग्स टुगेदर, एंड लाइक इट्स अमेजिंग क्लास, एंड दैट काइंड ऑफ टू रिलीज, यू नो हम सब इमोशनल हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हैं लेकिन कई बार हम बात नहीं करते और हमें समझ नहीं आता, इट्स सच अ रिलीज, बिकॉज मैंने एक हार्ड, जो लग रहा है कि आप फिजिकल वर्कआउट कर रहे हो, उस क्लास से निकल के बाहर आते हुए देखा है कि लोग रिलीज कर रहे हैं, यू नो कैन बी एनी वे, दैट्स लोगों के आंसू निकल रहे होते हैं, तो आई वुड से ठीक है अगर कुछ रिलीज हो रहा है, दैट इज द दैट ब्यूटी इज ऑफ द द, मोस्ट डोंट कीप इम्पॉर्टेंट इट लाइक डीप इनसाइड। इंसाइट। एंड एक बहुत बहुत सुंदर क्लास है हमारा, योगा रिले, दैट्स अमेजिंग, आपने ट्राई किया आई हैवन्ट डन दैट, आई हैव डन द हाथा आई वुड वॉल्स। से कि अब आप ठीक नेक्स्ट आइए तो हमारी योगा रिले ट्राई कीजिएगा, एंड फॉर द इंडिया इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, ऑफ कोर्स यू नीड लॉट्स ऑफ काइंड ऑफ है करेज टू डू दैट वन, बट द योगा रिले इज अ ब्यूटिफुल क्लास, एंड इस क्लास में देखिए क्या है कि 3 डिफरेंट एनर्जीज हैं, 3 डिफरेंट टीचर्स हैं, 90 मिनट्स में आपको क्या एक्सपीरियंस मिलेगा आपको भी नहीं पता। सीरियसली वी फील ब्लेस्ड वी हैव
वंडरफुल टीम, वहां से हमें आइडिया आते हैं, हम सब Oh, no, इसके and you ऊपर काम beautifully करते हैं। packaged it and brought it to the world. But Dr. Tanu, tell me about you personally, कि आपने अपनी योगिक जर्नी 12 साल पे चालू की. What has this journey been like with you? आपने कैसे चालू किया एंड कैसे इसमें आप बढ़े हैं? एम अ वेरी प्री मेच्योर चाइल्ड काइंड ऑफ, इवन नॉट इवन 7 month काइंड ऑफ। तो जब आप प्री मेच्योर है, एंड आई एम फोर्थ डॉटर इन माई फैमिली, अब देखिए एक स्मॉल टाउन एंड फोर्थ आप डॉटर, कौन एंड सो विच वेर वेर आई यू एम फ्रॉम हरियाणा, आई एम फ्रॉम ओके ठीक करनाल, है एंड इट्स अ स्मॉल ब्यूटिफुल टाउन, ठीक है तो एंड करनाल में चौथी हाँ करनाल में बेटी छोटी बेटी। एंड तो मैं बहुत बीमार पड़ती थी, बहुत की मैं मतलब अगर 1 साल में 6 महीना हॉस्पिटल में रह रही हूँ इस टाइप का था। एंड देन यू नो फिर आपकी मदर और प्रोटेक्टिव हो जाती है, जी जी सो ना आई थिंक इट्स कम्स फ्रॉम हर, वो राइट मुझे लेकर और प्रोटेक्टिव हो गई फिजिकली इमोशनली, यू कैन यू आर माई काइंड ऑफ। सो आई थिंक आई गेट द करेज फ्रॉम हर। देन माई मदर इंट्रोड्यूस मी कि योगा करो, एंड योगा से ही तो तुम वो तो प्रैक्टिस करती थी वो योगा प्रैक्टिस करती थी, हम उनको देखते थे, हम करते रहते थे, फिर धीरे धीरे वो मुझे और स्पेशली मेरे को ट्रीट करती थी, जैसे नेचुरोपैथी की कुछ क्रिया वो मेरे बॉडी के साथ करती थी, वो योगा आसना कराना, और कोई अगर मेरे सिस्टर स्किप कर देती थी योगा क्लास इट्स ओके, बट शी सेड कि तुम्हें तो करना है। उस समय में योगा को एज अ स्पोर्ट्स भी लिया गया था, राइट हरियाणा में स्पोर्ट्स का बहुत है, जी और योगा को एज अ स्पोर्ट्स लिया गया था। देन माई मदर पुश मी कि तुम्हें तो योगा ही करना है, एंड देन मैंने योगा में लगभग और लगभग 13 से 14 साल नेशनल जीता है, इट्स गुड। वाह एंड देन जस्ट बिकॉज ऑफ योगा आई गॉट कॉलेज कलर, जस्ट बिकॉज ऑफ योगा आई रिप्रेजेंटेड हरियाणा इन मैनी प्लेसेस, एंड देन बिकॉज ऑफ योगा आपको इनवाइट किया जा रहा है यूएस में और इधर और एशिया में, लाइक आई ट्रेवल्ड अ लॉट। और देखिए और दूसरी बात ये, जब मैंने मास्टर्स किया था अराउंड 27 ईयर्स हो गए या 28 ईयर्स हो गए, पता नहीं मोर चलता देन लाइक हमें वी कांट ना रियली टेल क्या एज है ये भी एक ट्वेंटी बेनिफिट है हाँ योगा जी करने का ट्वेंटी सो सेवन और 8 ईयर हो गए हैं। तो उस समय योगा में मास्टर्स भी नहीं था, राइट तो मुझे ऐसा लगता था भाई कुछ तो योगा में ही करना, मास्टर्स भी नहीं है, और ग्रेजुएशन मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में किया। बाय गॉड ग्रेस वो फर्स्ट ईयर था जब योगा में मास्टर्स निकला था, माय गॉड आई सेड माय अफर्मेशंस आर वर्किंग काइंड ऑफ। So and then you've also done in Ayurvedic medicine में आपने एग्जैक्टली न्यूट्रिशन में ये यस। किया है देखिए लाइफ हमें अगर दिस इज लाइफ स्टाइल, योगा को ले लीजिए और आयुर्वेदा को ले लीजिए, ये हमारा लाइफ स्टाइल ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कितना ही योगा कर लीजिए, अगर आप डाइट का डिसिप्लिन नहीं करते तो समहाउ वो बैलेंस नहीं माना जाता, और आप कितना ही डाइट पे फोकस कर लीजिए, आप आपके लाइफ में किसी भी तरीके का एक्सरसाइज या योगा का प्रैक्टिस नहीं करते, वो कंप्लीट बैलेंस नहीं है। You know, we're always struggling with our weight. We're always struggling, I feel, to know कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. But what are some rules that are universal या जो हमें फॉलो करने बिल्कुल चाहिए? आयुर्वेद का एक छोटा सा प्रिंसिपल है जो हम सबको फॉलो करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रित बुक, रित बुक रित बुक, हित बुक और मित बुक। रित बुक हित बुक मिथ बुक यस रित बुक, हित बुक और मित बुक। रित बुक, रित बुक मीन सीजनल फूड, जो अच्छा आपको सीजन दे रहा है उस सीजन में वही चीज खाइए, दैट्स अच्छा लाइक ऋतु के अनुसार जो तो अगर ऋतु है समर्स है तो फिर वो आम खाना अच्छे से चाहिए, खाइए, अच्छे से उसमें खाइए। जो कैलोरीज है उसे नहीं काउंट करो, उस चीनी से कुछ एग्जैक्टली नहीं होएगा. अच्छा एग्जैक्टली वी नीड इन समर वी नीड सम शुगर, वो आप कौन सा चूज करते हैं दैट्स अ डिफरेंट है ना। शुगर दिन के बीच में हमको चाहिए बिकॉज बॉडी में वात बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर हम थोड़ा शुगर खाते हैं तो वो बैलेंस करता है, एंड डेज आर क्वाइट लॉन्ग। जी ठीक है अगर हम दिन के बीच में कुछ ऐसा नहीं लेंगे तो
इट्स हार्ड टू बी यू नो एंड हमारे योगा सेंटर में योग निद्रा भी है. हम किसी किसी को कभी कभी योग निद्रा मिलती है, अदरवाइज वी नीड सम शुगर सब्स्टिट्यूट, गो विद अ लिटिल शुगर. या तो सोचा दिन में या आम खा लो. एग्जैक्टली. सो आपको ऋतु के अनुसार खाना चाहिए. मित भूख. मित भूख मीन्स जितना आपकी भूख है उससे हमेशा कम खाइए. टू पोर्शन मील जो होना चाहिए, तीन तीन, एक जैसे आपका मान लीजिए एक चपाती है तो टू पोर्शन आपका सब्जी होना चाहिए, वन पोर्शन फॉर द लिक्विड एंड वन पोर्शन शुड बी एम्प्टी. आकाश तत्व बोलते हैं उसको, कि वो जरूर होना चाहिए जो हम नहीं करते हैं. मतलब एक प्लेट पे हमारे को एक खान खाली छोड़ना चाहिए. खान छोड़ते जाए, दैट्स अ साइन कि हमको अपना स्टमक को भी एक पोर्शन खाली छोड़ना चाहिए उस हिसाब से. सो ये हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए. एंड देन ऋतभुक हितभुक मिथभुक. मिथभुक इज लाइक जो चीज आपके लिए अच्छी है हो सकता है मेरे लिए अच्छी नहीं हो. राइट. तो लोग अब आजकल प्रोटीन शेक पी रहे हैं, प्लांट बेस और ये बेस सब ही पी रहे हैं. कोई ये नहीं बताता कि आपके साथ जाता है नहीं जाता, आपकी बॉडी के साथ जाएगा या नहीं जाएगा. और एक जैसा भोजन एक जैसा प्रोटीन शेक पूरा 12 महीने पिया जा रहा है जी, और सब पी रहे हैं. वो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया. Exactly. तो फिर सबने चालू कर दिया. अब वो आईसी प्योर नहीं है, वो ले लो तो वो अपने चेंज कर लिया. बिल्कुल. तो ये थोड़ा सा हमको माइंडफुली अपने खाने को, अपना जो हमारा रूटीन है उसको माइंडफुली चूज करना चाहिए. जो एक चीज किसी के लिए अच्छी होती नहीं, एक चीज किसी के लिए अच्छी है जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी अच्छी हो. तो हमें थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए, समझना चाहिए कि ये मेरे सिस्टम के साथ जाती है या नहीं जाती है. तो ये हमको इट्स लाइक एक लकीर नहीं है कि ये इस पे चलना है तो चलना ही है. वी हैव टू बी चूज लाइक वाइजली कि ये मेरे लिए अच्छा है ये नहीं अच्छा है. और थोड़े से प्रिंसिपल्स भी हैं कि रात को हमें फर्मेंटेड फूड नहीं खाना, अर्ली मॉर्निंग में जितना खाएंगे. तो ये छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं. आई रियली बिलीव थोड़ा मेक लाइफ सिंपल. आजकल लोगों ने अपने डाइट को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है कि मैं घरों में किचन में देखती हूँ कि वेइंग स्केल्स आ गए हैं और उसमें घर में 3 जन हैं तो सबके लिए दाल भी सेपरेट पोर्शन से बन रही है. वो दाल को आप वे कर रहे हो कि कितने ग्राम है, कितने ग्राम है. ऐसे इतना लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो कैसे चलेगा. जितना ये सिंपल होंगी चीजें उतना इजी होगा. जितना इजी टू डाइजेस्ट मील होगा, इजी फूड होगा वो ज्यादा. मैं एक बहुत ही लाइक मुझे ऐसे लगता है कि आज के समय में इस विषय पे बात करना बहुत जरूरी है कि लोग वर्कआउट के समय प्रोटीन शेक लेने लग गए. देखिए बॉडी या तो एक रिकवरी मोड में होती है या डाइजेस्टिव मोड पे होती है. अब आप वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन बीच में प्रोटीन शेक पिए जा रहे हैं तो आपकी बॉडी समझ नहीं पा रही इट्स अ रिकवरी और मैं अब डाइजेस्ट पे जाऊं या अपने वर्कआउट मतलब रिकवरी पे जाऊं. तो ये जो कॉन्सेप्ट नया आया है कि वर्कआउट के समय ही आपको ये लेना चाहिए, तो ये ऐसा नहीं होता. हम तो बोलते थे कि बचपन में खाया हुआ जवानी में, जवानी में खाया हुआ बुढ़ापे में, ऐसा बोला जाता जी, है जी. और आप अगर समर्स में मैंगो खाते हो तो जो बॉडी की कैल्शियम नीड्स है वो विंटर्स में काम आएंगी. और जो विंटर्स में आप ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी आप लेते हैं उनसे जो न्यूट्रिशन बाय नेचर हमको मिलता है उसको हम यूटिलाइज कर. अब ऐसा नहीं है कि सुबह मैंने मॉर्निंग शेक पिया और आज के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे कल का पता नहीं कि कल मुझे उसके बारे में एनर्जी मिलेगी या नहीं. सो आई बिलीव योगा एंड आयुर्वेदा इज अ परफेक्ट लाइक अ लाइफ स्टाइल. इट्स नॉट लाइक इतना हार्ड भी नहीं है. तो इसको अगर हम दोनों को कंबाइंड करके अपने लाइफ में लाते हैं तो लाइफ इजी हो जाती है, लाइफ बेटर हो जाती है. आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस. लेकिन आजकल फास्टिंग एंड यू नो इंटरमिटेंट फास्टिंग सब आए लंच करोगे नहीं नहीं आई एम ऑन आईएफ. सो बट आई आल्सो फील कि फास्टिंग एक हमारे कल्चर का पार्ट है. बिल्कुल. वेयर आई हैव ऑलवेज सीन कि मम्मी हमेशा मंडे फास्ट कर रही हैं. बिल्कुल. जैनियों में हमारे पूरे 10 दिन के 10 लक्षण होते हैं. बिल्कुल. सो व्हाट इज द यू नो व्हाट इज द पावर ऑफ फास्टिंग इन न्यूट्रिशन और जो हम खाना खाते हैं. बिल्कुल. फास्टिंग
आज के समय से नहीं है, जैसे अभी आपने कहा कि हमारे कल्चर में हमको पूर्णमासी और अमावस्या के दिन फास्टिंग होता था, या मंडे हम कोई भी दिन चुन लेते थे कि इस दिन मैं नहीं खाऊंगी। तो इट्स लाइक अ फर्स्ट इज ब्रिंग द डिसिप्लिन इन योर लाइफ। ओके, सेम विद द योगा, फर्स्ट थिंग कि डाइट और आपका जो योगा प्रैक्टिस है उससे क्या आप जीवन में सबसे पहले लाना चाहते हैं। सो दोनों का प्रिंसिपल है, उसमें हम पहले लाना चाहते हैं डिसिप्लिन इन द लाइफ। सो दोनों का पर्पस एक ही है। फास्टिंग आज के समय से नहीं है, काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। और फास्टिंग देखिए, पहले जो होता था, थ्री मील्स का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। दिन में टू मील्स लिए जाते थे, एक 11 बजे के करीब। इवन जो हमारे फार्मर्स हैं, किसान हैं, ये सब अभी भी ये प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। 11 बजे फिर योग निद्रा, फिर एग्जैक्टली 11 बजे लीजिए और शाम को 6 से 7 बजे लीजिए। इट्स अ परफेक्ट। बीच में आप ऑफ कोर्स यू कैन हैव सम जूसेस और यू कैन हैव सैलेड फॉर श्योर, बट ऐसा नहीं है कि 7 मील्स और 5 मील्स और ये कॉन्सेप्ट। इट्स लाइक आप बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहे हो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे। सो ये प्रैक्टिस हमें नहीं करनी चाहिए। 2 मील्स आर सफिशिएंट। और मैंने देखिए, बिकॉज मैं डाइट के लिए प्लान भी करती थी पहले, तो उसमें क्या होता है, लोग 6-6, 7-7 तरीके के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, बट स्टिल उनको डेफिशिएंसी है उस सप्लीमेंट जी। और सब में होता ये नहीं होता, तो आप एक टैबलेट ले लो, एग्जैक्टली आजकल इन्फ्यूजन्स ले लो। बिल्कुल, तो थोड़ा सा हमको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आप देखिए, प्रोटीन शेक पे फिर से मैं आती हूँ, फास्टिंग एंड प्रोटीन शेक। पूरा दिन कुछ नहीं खाए, दिन में एक सुबह प्रोटीन शेक पिया, लेकिन आपका जो काम आपके मुंह से शुरू होना चाहिए था कि आपने चबाया और आपके स्लाइवा के साथ वो मिक्स हुआ, देन हार्मोन्स है खुश हुए, देन नीचे डाइजेस्ट किया, आपने सारा का सारा प्रेशर एक जगह पर डाल दिया आपके डाइजेशन पे। देन इट्स लाइक अ गट इशू, गट प्रॉब्लम, क्योंकि आप एक जगह पे जो प्रोसेस आपका कई चैनल्स के साथ होकर जाना चाहिए था, आपने एक जगह के ऊपर उसका प्रेशर डाला है। ऑब्वियसली यू विल गेट दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। योगा का नियम मतलब ये नहीं है कि आपने एक्सरसाइज कर लिया। योगा तो हमें सिखाता है तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, शोच, संतोष। मतलब हमें पहले सेटिस्फाइड रहना चाहिए, ज़्यादा तप, तप मीन्स हमें हार्डवर्क करना चाहिए, हमें करना चाहिए ऑफकोर्स, एंड देन शौच। सबको अच्छा लगता है साफ सुथरा मन, साफ सुथरा जगह, सबको अच्छा लगता है। तो ये दिस इज़ अ प्रैक्टिस, हम अपना प्रैक्टिस यहाँ से शुरू करते हैं, एंड यू आर कैरिंग बैक टू योर होम। I love this. मतलब हम शायद सोचते हैं कि केवल एक ये फिजिकल एक्सरसाइज है, but it's actually a way of life. It's a science of living kind of. हमको जीने का सही तरीका है योग, अगर बोले तो। योग, योग, योग। Yes, yes. ठीक है, जो रूटीन होता है वो आ जाता है, ठीक है, हम आ जाता है। योग जीवन जीने का एक तरीका है। Very well said. तो जो चीज पुराना चला आ रहा है, कोई एक साइंस है जो पुराने समय से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बीच में कुछ साल ऐसे आए थे कि मैं वही बात कर रही थी कि जब मैंने चूज किया लाइक अ योगा एज अ प्रोफेशन, तब उस समय एक लहर थी कि अगर आपने साइंस लिया है या आपने कॉमर्स लिया है तो यू आर अ गुड स्टूडेंट काइंड ऑफ, और अगर आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी चूज की देर लाइक आई बी नॉट इंटेलिजेंट, ये क्यों कर रहे हो। और या एंड बिलीव लाइक गट फीलिंग्स होती है ना, वो बाय गॉड ग्रेस बहुत पहले से आ गई थी कि यही करना है तो यही करना। आई थिंक वेस्ट में योगा को काफ़ी इट्स बिकम अ ट्रेंड आजकल। इंस्टाग्राम पे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी लोग इसको एक ट्रेंड, फिटनेस ट्रेंड बना देते हैं। तो क्या आर वी लूजिंग दिस एसेंस ऑफ योग एंड योगा? देखिए, यूएस की और बाहर देशों की कई चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, वो हर चीज़ को साइंटिफिकली उसकी कहते हैं ना तह में जाते हैं, बिल्कुल देखते हैं सोच, तब जाकर उसके ऊपर काम करते हैं। आप देखिए, छोटा सा आपने देखा आजकल एक सिपर्स आए हैं जिसमें इतना ही पानी निकलता है, एक घूट पानी निकलता है। ये तो हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि पानी गट गट नहीं पीना, घूट घूट पानी पीना है, कि
लेकिन अब उन्होंने उसको मॉडर्न तरीके से गिव बैक टू सोसाइटी, उन्होंने उसको रिसर्च किया। ये हमारे प्रैक्टिस में ऑलरेडी था कि पानी सिंपल है, मैं आपको जस्ट जी जी एग्जाम्पल दे जी रही हूँ कि पानी एक घूट करके पीना है, गट गट नहीं पीना है। तो लोग नहीं समझ रहे थे, फिर उन्होंने एक छोटे से इसके ऊपर रिसर्च किया क्यों घूट करके पीना है। फिर उन्होंने आई थिंक मल्टी नेशनल कंपनीज बन चुकी हैं जो आपके ऐसे सिपर्स निकाल के देती हैं जिसमें से एक समय में एक ही घूट आएगा जितना है। पानी चाहिए। तो सेम विद द योगा, जब वेस्ट में गया तो उन्होंने उसके ऊपर जो ऑथेंटिसिटी थी उसके ऊपर बहुत रिसर्च किया, काम किया, एंड इट्स गुड, दे आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी इन अ गुड वे, सो व्हाई नॉट। स्थिति परिस्थिति काल के अनुसार, दैट्स कॉल्ड यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम ना अकरणीय ना करणीय। जो स्थिति परिस्थिति काल के अनुसार जो सही है अगर वो किया जाता है तो उसमें कोई हार्म नहीं हार्म है। नहीं अगर है। थोड़ा सा मैं किसी को, मैं 1 घंटा प्राणायाम करवाना चाहती हूँ लेकिन वो बैठ के मेडिटेटिव वे से नहीं कर पा रहा है, अगर मैं उसको एक्टिवली करवाती हूँ, मैं म्यूजिक नहीं डालती वैसे, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा एक ऐसा म्यूजिक डाला जाता है तो जी कोई इसमें ऐसा बुरा चीज़ मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ बुराई है या नो, आई'd लव टू टॉक दिस इन टू मेंटल हेल्थ ऑल्सो। आप प्राणायाम की बात किए एंड मेडिटेशन, सो इज मेडिटेशन ऑल्सो अ प्रैक्टिस जो आप करते हैं? हम उसे कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी लाइफ में? कई बारी चीज़ें एक ही होती हैं लेकिन उनके नाम अलग हो सकते जी हैं। फॉर मी, इफ यू वुड से कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, आई वुड से यस आई डू, बट हो सकता है मेरा तरीका अलग हो, आपका तरीका अलग हो। आई रियली बिलीव इन द प्रेयर्स, जी है ना। मेरे लिए मेडिटेशन जो है मेरा प्रेयर्स है, जो मैं हर रोज़ करती हूँ, और काफ़ी साल से मैं हवन करती हूँ रोज सुबह। और हवन हवन, कुछ लोग होते हैं साइंस में बिलीव करते हैं जी, कि हर चीज़ साइंस, आप बताइए एक सिप ऑफ पानी क्यों पीना है, अगर मैं उनके उसका कुछ पीछे साइंटिफिक बेसिस हो साइंटिफिक जी। बता दो, तो सेम योगा जो मैं अपने प्रेयर करती हूँ उसमें फायर सेरेमनी होता है, हवन जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस जिसको मैंने डीपली स्टडी किया है, मुझे पता नहीं प्यार है हर्ब्स एंड तो स्पाइसेस से, और ये जो वो हवन होती है आपकी स्पाइसेस, आप उनको बर्न करते हैं टू एग्जैक्टली गिव बैक टू द सोसाइटी, आई मीन टू द ये एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट, वाह दिस इज अ प्रैक्टिस। देखिए अब छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, और उसमें बहुत ब्यूटीफुल मंत्रास के साथ, ब्यूटीफुल इंटेंशन के साथ, एक एक प्रार्थना के साथ 20-25 मिनट्स लगते हैं, जो मैंने अपना खुद आई वुड से डिज़ाइन किया कि दिस इज़ द प्रैक्टिस आई वॉन्ट टू डू एवरी सिंगल डे। 25 मिनट्स लग जाते हैं उसमें, और कभी कभी मैं बड़ा भी कर लेती हूँ। तो उसमें हर्ब्स एंड स्पाइसेस जो भी रहता है आपके, और घी, बेसिकली घी को उसमें यूज़ किया जाता है, तो उसको एक इंटेंशन के साथ, डिफरेंट मंत्रास के साथ उसका इफेक्ट बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं इसमें कैसे फ़र्क पड़ता है। देखिए अब मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपके हाथ में एक मिर्ची है, ठीक है, वो किसे इम्पैक्ट करेगी? मे बी किसी को भी नहीं, आपको भी नहीं, लेकिन आप उसको थोड़ा अपने नाक के पास लेके आइए, आपको डेफिनेटली, है ना और वही मिर्ची को अगर आप जला देंगे तो क्या होगा कि आपके कहीं पर भी जितने भी लोग बैठे हुए हैं उसको उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो अग्नि है वो किसी भी चीज़ को बहुत सूक्ष्म में ले आती है, और उसका बेनिफिट सिर्फ एक जन को नहीं पड़ के काफ़ी जनों को पड़ जाता एंड आई लाइक द फैक्ट कि आई थिंक ईच वन ऑफ अस, हम सबका अलग अलग तरीका होता है एंड वी नीड टू डिस्कवर कि हमारे लिए क्या सही है वर्सेस सेइंग कि अब आज के दिन ये ट्रेंड चल रहा है तो हम है। ये बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसमें और भी सब, कोई बिल्कुल बिगिनर हैं और वो मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एंड एवरी इंडिविजुअल हैव देयर ओन जर्नी, देयर ओन, बट ऑफ कोर्स वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट। सबसे ज़्यादा अगर आपको पहले मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप लेना है तो पहले अपनी ब्रेथ पे काम करना शुरू कर दीजिए।
ब्रेथ इज अ टूल, फिजिकल बॉडी और आई वुड से इज अ ब्रिज, आपके फिजिकल मेंटल इमोशनल बॉडी को बैलेंस करने के लिए जो ब्रीदिंग है वही टूल है। ब्रेथ पे कंट्रोल, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ब्रेथ करना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं तो पहले लंबा गहरा सांस लेना और छोड़ने का प्रैक्टिस कर लीजिए। दैट्स गोइंग टू बी अ बिगिनिंग ऑफ द मेडिटेशन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या एक्सपीरियंस था आपका हांगकांग में सिखाने में और अब इंडिया में सिखाने में? मी एंड डॉक्टर वरुण, वी बोथ वर द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस इंडियन क्लासिकल योगा यू नो हियर। यू ऑल्सो सेड कि आई थिंक अभी तक जितनी भी हमारी सर्टिफिकेशंस होती थी वो सारी US बेस्ड होती थी योगा की, हाँ एंड आई जी थिंक दैट इज ऑल्सो समथिंग जो आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बिल्कुल हम अब इसको बिल्कुल। देखिए, ये इंडियन रूट है, लेकिन इसके ऊपर हमें बहुत अच्छे से काम करने की ज़रूरत है और हम कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। आई वुड से कि अभी तक जैसे आश्रम बेस, जैसे हमने शुरू में जी बात की, और ये लाइफस्टाइल प्रैक्टिस थी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर हम इसको पूरे साइंस के साथ जोड़ के देखें और अच्छे से प्रेजेंट करें, तो अभी जो इंडिया में कई TTCs होते हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, कई कोर्सेज को बहुत लाइटली लिया जाता है, जैसे और लर्निंग्स होती हैं उसको उतना उस तरीके से नहीं लिया जा रहा, जो मैं मिस करती हूँ यहाँ पर। एंड वी वॉन्ट टू ब्रिंग बैक हेयर सेम लर्निंग, कि आप अगर योगा को कोर्स कर रहे हैं या योगा के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, अनाटमी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ब्रेथ वर्क, तो देर आर सर्टन एरियाज वी नीड टू वर्क। एंड बिल्कुल उसको एक रेगुलर, जैसे आप कोर्स करते हो, आप उस ढंग से कीजिए। ये आई फील इट्स थोड़ा सा मिसिंग यहाँ पर है। ठीक है, US भी कर रहा है, लेकिन हमारे ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, हम उसको वैसे साइंटिफिक वे से प्रेजेंट करने के अब ना काबिल हैं, तो व्हाई नॉट। Why not? अपनी कल्चर को ओन करके बट बिल्कुल प्रेजेंटेड इन अ वे दैट इज ट्रूली बिल्कुल यू नो गिविंग बैक। आई हैव सम फन शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर ओ यू वाह, माय फ्रेंड, थैंक यू, डॉक्टर। प्राणायाम मेडिटेशन और प्राणायाम? इंडियन, प्राणायाम। यस। फेवरेट योगा पोज? साइंटिफिकली मलासना इज अमेजिंग, इफ वी प्रैक्टिस एवरी डे इट्स अमेजिंग फॉर योर गट, फॉर द यू नो द विमेन हेल्थ सिस्टम। आई थिंक एवरी वुमेन हैज टू डू एवरी डे दिस मलासना अगर पोजिशन, आपको, आई मीन एंड दिस इज फॉर मी पर्सनली, या बेस्ट आसना इफ आई वांट एब्स? ओ व्हेन योर एब्स नौकासना इज अमेजिंग, टू ओके, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड लिटिल बिट विद द मूव, विद द गो बैक ऑन गो फॉरवर्ड, दस नौकास। नौकासना अमेजिंग। योगा एंड म्यूजिक और साइलेंस? साइलेंस, यस साइलेंस। फॉर श्योर, माई ब्रेथ वर्क्स ना, इन स्कल्ट और अदर क्लासेस वी ऑलवेज लाइक ब्रेथ वर्क, इट्स लाइक सो बी लाइक फील लाइक योर ब्रेथ इज प्लेइंग अ रोल ऑफ रिदम एंड द म्यूजिक, काइंड ऑफ Use यस your breath as एज music. I एग्जैक्टली love that. Solo practice or in a group? ग्रुप प्रैक्टिस, बिकॉज देयर वी एक्सचेंज द एनर्जीज एंड इट्स अ ब्यूटिफुल, वी गेट इंस्पायर्ड लुकिंग एट लाइक वट द पर्सन इज डूइंग, एंड देन आई कैन सी अ बिग चेंज इन लाइफ योगा वेन वी प्रैक्टिस टुगेदर, वी गेट मोटिवेटेड एंड हम एक कंफर्ट जोन में नहीं जाते हैं। Who is your most inspiring person? ऑफकोर्स माई मदर एंड डॉक्टर वरुण मुझे भी, पता था यही मैं आई लर्न अ लॉट, व्हाई नॉट। बोले। योगा इन अ स्टूडियो और आउटडोर्स? योगा इन स्टूडियो, अगर आपके पास एक सीक्रेट सुपर पावर हो सकती तो व्हाट वुड दैट बी? आई वुड से योगा ही सीक्रेट सुपर तो वो मेरी पावर, है और ऑलरेडी मेरे पास आई है। एंड थिंक वही है, यस आई थिंक योगा। फाइनली, व्हाट डज बिकॉज शी कैन मीन फॉर यू? विमेन्स आर लाइक दैट, अगर कुछ ठान लिया कुछ करना तो ऑफकोर्स करना है ना, Oh my बिकॉज God. यू थिंक यू कैन, ऑफकोर्स यू कैन। And of course, and the one person who can is Dr. Tanu, you. And really, थैंक thank you so much. You've been an यू, थैंक यू inspiration. सो मच।